लड़ाकू विमान मुद्दे पर आरोप, प्रत्यारोप का दौर है जारी। एआईए डीएमके सांसद ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाया। लोकसभा की कार्रवाई फिर स्थगित, टीडीपी सांसदों ने सदन में उठाए कागज। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भी लोकसभा में घमासान जारी रहने की आशंका जताई। सरकार इस मुद्दे पर आज कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों व्हिप जारी किया है और संसद में मौजूद रहने को कहा है। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष और सरकार में आर पार की जंग हुई है। इस दौरान जब राफेल पर अरुण जेटली सरकार पक्ष रख रहे थे, तब कांग्रेस के दो सांसद लगातार कागज के जहाज बनाकर उसे उड़ा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच दौरान जोरदार बहस हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे सिर्फ 20 मिनट के लिए राफेल सौदे पर बहस कर ले। एआईएडीएमके सांसद ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाया। सांसद नवनिर्मित कृष्ण ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोकसभा से हमारी पार्टी के सभी सांसद सस्पेंड कर दिए हैं, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात अब कैसे रखते हैं। लोकसभा से 17 सांसद सस्पेंड, लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा से 17 सांसद हुए सस्पेंड। लोकसभा स्पीकर ने टीडीपी के 10 और एआईएडीएमके 7 सांसदों को सदन की वेल में आने पर अगले 4 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर ने सांसदों के नाम लेते हुए कहा कि आप लोग सदन की कार्रवाई को जानबूझकर बाधित करने का काम किया है, इसलिए आप लोग 17 के बचे हुए 4 दिनों के लिए सांसद की कार्रवाई से बाहर किए जाते हैं। हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस इंडिया आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।